हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड फ्रेंड जैसा कि 8 जनवरी का एग्ज़ाम का हम लोग जा रहे हैं एनालिसिस करने। फ्रेंड सीटेट के एग्ज़ाम में आपके जो भी फ्रेंड्स क्वेश्चन बन रहे थे फ्रेंड्स, वो पूरा फर्स्ट स्टेप के सभी क्वेश्चन लेकर हाजिर हैं आपके सामने। फ्रेंड जो भी क्वेश्चन आपके आए थे, चलिए फिर लेट स्टार्ट फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आए थे फ्रेंड और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं फ्रेंड, इस बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपका है कि प्रायोगिक में प्रत्यय क्या है। फ्रेंड्स ये हिंदी सेशन में आपका जो पेपर होता है उसमें से ये पूछा गया था, प्रायोगिक में प्रत्यय क्या है। फ्रेंड्स तो एक प्रत्यय धात्री शब्द का अर्थ पूछा था कि धात्री का मतलब क्या होता है। तो धात्री का मतलब है किसी भी चीज़ को धारण करना, ठीक है। एक है दात्री, ये दात्री का अर्थ क्या है? तो दात्री का अर्थ है देने वाला फ्रेंड, ठीक फ्रेंड। दात्री का मतलब देना, दात्री का मतलब धारण करना। असम के फ्रेंड्स जो आपके क्वेश्चन आज पेपर में आया था, तो ना कि असम का सिर्फ नहीं पूछा था, इसने कई ऑप्शन बेस्ड आपके क्वेश्चन आए थे आपसे आए थे, जिसमें आपको आपको जो है फिल आपको इसमें ये क्रॉस सेक्शन लगाना था कि कौन से हैं। जैसे कि असम का एक आया था कि बांस के खम्भों पर बनेगा, जम्मू कश्मीर का आया था, मनाली का आया था फ्रेंड्स, राजस्थान का आया था, इन सब क्वेश्चन ये आपके आए थे कि कौन सा घर आपका कहाँ पे बनता है फ्रेंड्स, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। और फ्रेंड्स बात की जाए केंद्र शासित प्रदेश के क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में उनको कुछ डाउट है क्योंकि शायद इस क्वेश्चन में 8 ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में मेरे हिसाब से शायद 6 था, जैसा कि बच्चों ने बताया कि जैसा कि 6 था, 9 था और हाँ 7 भी था और 11 था, ये ऑप्शन में थे फ्रेंड्स। आपके ऑप्शन में यही 4 ऑप्शन थे, 8 ऑप्शन का आपका कोई भी क्वेश्चन में आपके आंसर आपके जो ऑप्शन थे उसमें 8 नंबर नहीं दिया था, ये सब ऑप्शन आपने के थे। एक फ्रेंड ऐसा जो क्वेश्चन आपका आया था, ये इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे कि मगरमच्छ है, छिपकली है, सांप है, तो ये क्या अंडे देने वाले हैं या सरीसृप हैं या क्या क्या है। तो जैसे ये सब सरीसृप भी हैं और ये क्या करते हैं, अंडे भी देते हैं, है ना फ्रेंड। इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ट्रेन से बात की जाए फ्रेंड्स, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका इस तरीके का आया था कि आपको इसमें किलोमीटर पर घंटा दिया था और टाइम दिया था 2 घंटे का। इसको पूछा था कि आपको मीटर पर सेकेंड में बनाना है फ्रेंड्स, ठीक। इस टाइप का फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन आया था। और बात की जाए कि नेक्स्ट आपका है अलबरूनी से प्रश्न आया था फ्रेंड्स, अलबरूनी से प्रश्न आपका आया था कि अलबरूनी का जन्म, अलबरूनी कहाँ से क्या है, इस टाइप का आया था। तो अलबरूनी की बात की जाए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स की अलबरूनी कहाँ से आए थे, तो फ्रेंड्स बात की जाए अलबरूनी की, तो अलबरूनी में फ्रेंड्स जो आपके 4 ऑप्शन थे इसमें से ये पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन गलत है, इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड्स आया था अलबरूनी से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स अलबरूनी से रिलेटेड क्वेश्चन इस टाइप का आपका आया था। तो फ्रेंड जैसा कि इसमें अलबरूनी की बात की जाए, अलबरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म में सन 973 ईस्वी में फ्रेंड्स हुआ था, समझ रहे हैं फ्रेंड्स। और वह फारस का एक प्रसिद्ध विद्वान था जो कि महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के दौरान उसके साथ आया था। और आपको पता है महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था। वह पहला मुस्लिम लेखक राइटर था फ्रेंड, जिसने भारत की संस्कृति और परंपरा के बारे में व्यापक अध्ययन कार्य किया था फ्रेंड्स। अलबरूनी बहुत ही विद्वान था। और एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आया था वीवर पक्षी से, इसमें डायरेक्ट नहीं पूछा गया था क्वेश्चन वीवर पक्षी फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपका इस टाइम में पूछा गया था कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो घोंसला बनाता है, लेकिन घोंसला तो बनाता है लेकिन उसकी जो मादा है वो बच्चे देती है, इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका आया था। तो इसका जो इनका घोंसला टहनी के सहारे हवा में लटकता है और जिस स्थान पर ज्वार गन्ने की फसल ज़्यादा होती है उसी के आसपास ये पेड़ों पर अपना घोंसला तैयार करते हैं फ्रेंड, ठीक फ्रेंड। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि हो सकता है आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन क्योंकि घुमा घुमा के पूछ रहा है, तो हो सकता है। एक फ्रेंड लिखने से रिलेटेड आया था, तो उसमें ये चीज़ डायरेक्ट नहीं पूछा, लिखने में अक्षमता डिसलेक्सिया क्वेश्चन आपका घुमा के पूछा गया था फ्रेंड्स डिसलेक्सिया से। और ऑप्शन में एक साथ M और W इस टाइप का कुछ दिया था इस टाइप में कि वो पढ़ने में उसका मतलब कुछ कुछ दिक्कत हो रही है फ्रेंड, इस टाइप में है ना। लिखने से रिलेटेड फ्रेंड नहीं था, लिखने से रिलेटेड नहीं था, पढ़ने से रिलेटेड डिसलेक्सिया से आया था क्वेश्चन आपका। पुरुषार्थ में संधि विच्छेद बताइए, तो पुरुष प्लस अर्थ आपका हो जाएगा पुरुषार्थ। और पोचमपल्ली से क्वेश्चन आया था, ये भी आपका पोचमपल्ली से क्वेश्चन जो आया था ये पूछा गया था कि पोचमपल्ली की जो साड़ियाँ बनती हैं ये किस राज्य में बनती हैं।
तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था मिजोरम का, तो तेलंगाना में बनती मिजोरम कर लोग ना, तो उसमें आपके मैं चिराव ऑप्शन दिया था फ्रेंड्स, ठीक। और तीन ऑप्शन कोई और थे आपको, तो आपका चिराव राइट हो। अहमदाबाद के सापेक्ष दिल्ली की दिशा बतानी थी, तो फ्रेंड्स आपको पता है दिल्ली हमेशा दिल वालों के, तो दिल्ली हमेशा बीच में आएगी, यहाँ पे आपका गुजरात आ जाएगा, तो इस बेस से हम लोग देखेंगे तो क्या जाएगा, तो आपका उत्तर व पूर्व की दिशा फ्रेंड्स आ जाएगी, ठीक फ्रेंड्स। आपकी दिशा आएगी फ्रेंड्स यही पूर्व और उत्तर की। तो फ्रेंड्स अगर बात की जाए और किस टाइप के क्वेश्चन आए थे फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपका इस टाइप में आया था कि 1 सेंटीमीटर का मीटर में मतलब दे रखा है कि 110 है, तो 15 का नहीं पूछ के 13.33 का समथिंग शायद कुछ पूछा गया था, बच्चे बता रहे थे फ्रेंड, तो ये आपको निकाल के बताना था। और क्वेश्चन एक हाँ इस टाइप का आया था कि अलबरूनी कौन था, इस टाइप का है ना फ्रेंड, चार ऑप्शन दिए रखे थे, तो इसमें से आपका ये 30 3 नंबर आपका क्वेश्चन है। एक घरों से रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड पूछा गया था, जैसे असम हो गया, लद्दाख, मनाली, राजस्थान, ये हमने बता दिए, बट वहाँ पे क्रॉस सेक्शन वाला क्वेश्चन आया था। असम में बांस के खंभों पर बने होते हैं, पत्थर के बने घर कहाँ होते हैं आपके, पत्थर व के घर तो लद्दाख में होते हैं, पत्थर के बने घर व फर्श व जो छत है वो लकड़ी की, मनाली में पत्थर और लकड़ी से, मिट्टी के घर आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे, मिट्टी और कीचड़ के। और फ्रेंड्स ये वह यहाँ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा कि वह कौन सा पक्षी है जिसका नर पक्षी घोंसला बनाता है और मादा उस पक्षी में घोंसला चुन घोंसले को चुनकर अंडे देती है, तो आपका वीवर पक्षी हो जाएगा। और एक आया था पोचमपल्ली से रिलेटेड इस टाइप में क्वेश्चन, खास कपड़े के लिए मशहूर गाँव है, तो ये गाँव कहाँ है, तो आपका ये हो जाएगा आपका कहाँ। देखिए फ्रेंड अगर आंध्र प्रदेश दिया तो आंध्र प्रदेश लगाएंगे, अगर नहीं दिया है तो आपका तमिलनाडु लगाएंगे फ्रेंड्स, ठीक। ये आपके चीज़ हैं, तो आई थिंक तमिलनाडु आपका ऑप्शन में दे रखा था। ये क्वेश्चन ये था कि एक बालक डी को बी, ये आपका हमने बता ही दिया कि आपके क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई फ्रेंड, ठीक हमने बताया तेलंगाना हो जाएगा फ्रेंड्स। ये कुछ क्वेश्चन आए थे। और मैथ की बात की जाए तो मैथ में क्वेश्चन आपका आया था, ये क्वेश्चन आपका आया था 1-1 फिर +1 फिर -1, इस टाइप का क्वेश्चन आया था फ्रेंड। और हाँ फ्रैक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका आज आया था, मैथ की बात की जाए फ्रैक्शन से रिलेटेड भी आया था आपका मैथ, और उसमें हमने बताया एवरेज से आया था, और हम वो टाइम वो ट्रेन वाला आया था उसमें स्पीड दे रखी थी, इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके बन रहे थे आज। ज़्यादा मैथ के क्वेश्चन नहीं थे, पैडागोजी के से ज़्यादा क्वेश्चन थे, कम से कम 20 क्वेश्चन तो पैडागोजी से होंगे, मैथ के शायद समथिंग 10 ही क्वेश्चन आए थे फ्रेंड। तो ये था आज आपका पैटर्न, ठीक फ्रेंड। और हाँ बच्चे बता रहे थे कि जो आपके इंग्लिश जिन लोग बच्चों ने आज फर्स्ट इंग्लिश ले रखी थी 8 तारीख पेपर में, उसमें एक क्वेश्चन इंग्लिश का आया था जिसमें ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों सेम टू सेम फ्रेंड्स थे, मतलब कि सी में जो ऑप्शन थे और डी, एक कोई ट्रू फॉल्स करके शायद कोई क्वेश्चन था कि, तो उससे रिलेटेड फ्रेंड्स आया था फ्रेंड कि देयर इज़ टू ऐसे करके ऑप्शन में था, सी और डी आपके बिल्कुल सेम टू सेम थे, तो इसमें सभी बच्चों को 1 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा आज के पेपर में, जिनका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश था, इंग्लिश की बात कर रहे हैं हम फ्रेंड्स, ठीक। तो फ्रेंड्स इस टाइप का आया था। और अब हाँ वाइगोत्स्की से रिलेटेड कुछ पूछ रहा था, जीन पियाजे से रिलेटेड आपका आया था, और आपका हाँ इंग्लिश में उनसे बात की जाए नॉम चॉम्स्की से भी क्वेश्चन आपका आया था फ्रेंड्स, पैराग्राफ आया था वो एक एक आपका वो तो वो आता है पोएट्री में आता है, एक आपका उसमें सप्लीमेंट्री में आता है, तो पैराग्राफ तो खैर ठीक थे। और फ्रेंड्स कुल मिला के यही था, ईवीएस भी आपका सही आया था, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करके जाएगा क्वेश्चन, हाँ वो भी आया था कोहलबर्ग के स्टेजेस से क्वेश्चन फ्रेंड्स बन रहा है। और वहाँ वैन हाले से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आज पूछा गया था कि इन्होंने किस पर सिद्धांत दिया है, तो ज्यामिति पे दिया है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक फ्रेंड। तो इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेंड ये क्वेश्चन आ ही रहे हैं, कुछ टॉपिक हैं। और हाँ उससे आया था जेंडर वाले से आया था, रूढ़वादिता वाले से आया था, और उसमें ये दिया था कि एक लड़का है वो कहता है कि हम खेलो उसको खिलौना दिया जाता तो गुड़िया दी जाती है, तो कहता है हम गुड़िया से नहीं खेलेंगे क्योंकि हम तो लड़के हैं, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आज आपका आया था फ्रेंड। तो यही सब क्वेश्चन फ्रेंड्स बन के आ रहे हैं। संविधान से वो पूछा गया था, केंद्र शासित प्रदेश से आया था, मिजोरम से डांस का आया था फ्रेंड्स, ठीक।
तो फ्रेंड्स कुल मिला के ऐसे ही क्वेश्चन आज आपके आए थे, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स, बट आप लोग एनालिसिस डेली एनालिसिस कीजिएगा किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा था, प्रीवियस ईयर लगा लीजिएगा फ्रेंड्स, यही कुछ चीज़ें हैं जो आप पढ़ कर जाइएगा तो आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड। और हाँ, थीम से तो आज कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिएगा थीम से रिलेटेड, क्योंकि अगर आएगा तो इसी टाइप में आएगा। तो फ्रेंड्स ये जो थीम है आपकी कितनी होती हैं, तो ये फ्रेंड्स वैन हेले का, ये फ्रेंड्स हाँ वैन हेले का क्वेश्चन है, और इन्होंने आपके 5 बताए हैं फ्रेंड्स इन्होंने। अब फ्रेंड्स हम लोग वैसे क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ये वैन हेले ने एक तो चार्जशीट दिया, विश्लेषण दिया, अनौपचारिक, औपचारिक और लड़ता रेगर के बारे में बताया फ्रेंड्स, ठीक है। और इन्होंने ये चीज़ आपकी बताई है। और बात की जाए नॉम चॉम्स्की से रिलेटेड फ्रेंड, बन ही रहा है डेली का डेली बन रहा है, इन्होंने एलईडी के बारे में बताया था फ्रेंड्स, इन्होंने डिवाइस के बारे में बताया फ्रेंड्स, ये अमेरिका के रहने वाले हैं, इन्होंने बताया कि बच्चे की जो भाषा अर्जन की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, ठीक है, भाषा को जन्म से ही ग्रहण करते हैं, ठीक फ्रेंड। इन्होंने ये बताया एलईडी का, इन्होंने ये जैसे कि एग्जांपल की बात की जाए तो ये हिंदू फैमिली है फ्रेंड्स, ठीक है, तो इनका जो बच्चा है वो हिंदी में ही बात करेगा स्टार्टिंग में, बाद में सेकेंड लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है बट मदर टंग इनकी हिंदी ही रहेगी बच्चे की। ये पंजाबी है तो बच्चा स्टार्ट करेगा तो पंजाबी वर्ड से ही स्टार्ट करेगा, जैसा कि ये लोग अंग्रेजी हैं तो इनका जो बच्चा होगा वो इंग्लिश से ही स्टार्ट करेगा, बाकी सेकेंड लैंग्वेज किसी की कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि जो छोटा बच्चा होता है इसको सिखाने की ज़रूरत नहीं कि बेटा तुम अंग्रेजी नहीं बोलोगे हिंदी बोलोगे, क्योंकि हम लोग हिंदू हैं, और इनको ये भी नहीं सिखाने कि बेटा हम अमेरिका में रहते हैं, हम अंग्रेजी से ही शुरुआत करेंगे, हिंदी मत बोलो। तो बच्चा अपने एटमोसफियर के हिसाब से वैसे ही बोलेगा, इंग्लिश ही वो बोलेगा, ठीक है। बात की जाए जीन पियाजे, पियाजे ने 4 स्टेजेस के बारे में बताया है, एक संवेदी हो गया, दूसरा पूर्व सक्रियात्मक हो गया, मूर्त हो गया और अमूर्त हो गया, ये आपकी एजेस हो गए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन फ्रेंड डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन आपको एग्जांपल दे के पूछेगा कि ये कौन सी अवस्था में आएगा। बात की जाए थीम की फ्रेंड्स, तो थीम आपकी 4 है और सब थीम आपकी 6 है और सब थीम आपकी 4 हैं। कौन कौन सी थीम है, आपका परिवार एवं मित्र, ये आपकी थीम है और ये आपकी 4 सब थीम है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछता है, ये आपके 3 ऑप्शन दे देंगे, उसमें एक ऑप्शन ये रख देगा, कहेगा कि कौन सी इसमें से थीम नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड्स देते हैं, ठीक। तो आपका ये तो आपके थीम होंगे, और ये एक भोजन, पानी, आवास, यात्रा और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, बनाने से रिलेटेड ये आपकी थीम होंगी। बात की जाए हार्वर्ड गार्डनर की, तो इन्होंने सिद्धांत किसका दिया है, तो इन्होंने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस मतलब बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। इनके हिसाब से जो बुद्धि कितने प्रकार की होती है, तो 8 प्रकार की होती हैं फ्रेंड्स, ठीक। कौन कौन सी होती हैं वो हम लोग देखते हैं फ्रेंड। इन्होंने बताया कि अगर कोई भी इंसान होगा तो उनमें जो बुद्धि होगी इन्हीं 8ों में से ही कोई ना कोई बुद्धि होगा, या फिर वो लिंग्विस्टिक्स होगा मतलब दो भाषाओं, एक दो भाषाओं से अधिक जानकारी रखता होगा, उसको प्रकृति से प्यार होगा फ्रेंड, ठीक है। वो इंटरपर्सनल होगा मतलब खुद से प्यार करेगा या फिर और भी समाज से प्यार करेगा, ठीक है। म्यूजिक से प्यार कर मतलब फ्रेंड वो अगर कुछ भी बनेगा तो इन्हीं सबसे रिलेटेड बनेगा। मैथ में अच्छा है तो आपका मैथमेटिकल हो जाएगा, गाने बजाने का शौकीन है फ्रेंड्स तो म्यूजिकल हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। और अगर किताब पढ़ने में जाए बहुत बढ़िया है तो लिंग्विस्टिक मतलब इस टाइप के फ्रेंड। नेता नगरी से है तो आपका ये इंटरपर्सनल हो जाएगा, खुद से मतलब है, दीन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, साधु संत महात्मा है तो आपका इंटरपर्सनल, इस टाइप से फ्रेंड्स ये चीज़ें हैं, है ना। फिर उसको डेंटिंग पेंटिंग का बहुत तगड़ा शौक है तो आपका ये हो जाएगा, मतलब यही है फ्रेंड, मतलब अगर कोई भी बंदा होगा तो इन्हीं 8ों में से ही होगा। वाइगोत्स्की जी की बात की जाए तो इन्होंने इनके दो जो थ्योरी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक तो ZPD हो गया और दूसरा क्या हो गया, ये ZPD मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेसिमल हो गया, और आपका इसका फोल्डिंग जिसको पाड़ बोलते हैं हिंदी में, ठीक फ्रेंड। तो ये आपके दोनों हो गए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन वो भी किस कैसे पूछता है, तो एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, डायरेक्ट बहुत ही मुश्किल है, अगर आपकी किस्मत ही फिर बहुत अच्छी है तभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। बात की जाए NEP की, तो NEP का जो सिस्टम है वो 5+3+3+4 है। अभी तक जो आपका क्यूरिकुलम चल रहा है वो आपका 10+2 चलता था, बट अब ये क्यूरिकुलम को रिमूव कर दिया गया और एक नया सिस्टम लाया गया है, स्कूल सिस्टम 5+3+3+4 वाला। बात करें अगर इस पहले को कहते हैं तो फंडा नेशन फंड
फाउंडेशनल स्टेज होता है, दूसरा आपका प्रिपरेटरी होता है, तीसरा मिडिल होता है और आपका चौथा सेकेंडरी होता है, लास्ट स्टेज। ठीक फ्रेंड्स, ये चीज़ हो गए। और बात कीजिए कोहल बर्ग की, तो कोहल बर्ग ने किसका सिद्धांत दिया, तो नैतिकता का सिद्धांत दिया है। इन्होंने नैतिकता के सिद्धांत को 3 पार्ट में बांटा है और इन्होंने सब स्टेजेस कितनी बताई, तो इनकी 6 सब स्टेजेस हैं और स्टेजेस हैं 3। एक है, एक तो आपका हो गया प्री कन्वेंशनल, फिर कन्वेंशनल और फिर पोस्ट कन्वेंशनल स्टेजेस। इन्होंने इन्हीं के बारे में बताया और इन सब की 2-2 सब स्टेजेस हैं। ठीक है, यही हो गए 6। एग्जाम्पल अगर पूछता है ना फ्रेंड्स, तो पूछे डायरेक्ट स्टेजेस नहीं पूछता है, अब स्टेजेस पूछे, स्टेजेस के जो भी सब स्टेजेस हैं उनके एग्जाम्पल से फ्रेंड्स क्वेश्चन वो पूछता है कि ये कौन से सब स्टेजेस में आएगी, समझ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज आपका आज का सेशन यहीं तक था, आपको कैसा लगा बताइएगा फ्रेंड्स। मेरे अकॉर्डिंग तो हमने लगभग सारी चीज़ें बता दी हैं फ्रेंड्स। और हाँ, इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में जो क्वेश्चन आ रहा है तो आपका आपको वो याद करके जाना, पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक फ्रेंड, पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह आपकी तैयार करके जाएगा, वहाँ से क्वेश्चन बन ही रहा। बाकी आपके 15 क्वेश्चन बैठा हुआ जी, और 15 क्वेश्चन आपके आपके वो उससे आ ही रहे हैं, पैराग्राफ वगैरह वो आ रहा, पैराग्राफ वगैरह से। ठीक फ्रेंड, वही आपका सिलेबस तो वही है, उससे कोई मैटर नहीं करता है। तो यही सब चीज़ें पढ़ के जाएगा फ्रेंड। बाकी आप अपनी तैयारी जाइएगा, प्रीवियस ईयर की नॉलेज रखिए और जो भी अभी तक हुए हैं आपका फुल एनालिसिस कर लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा फ्रेंड, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक फ्रेंड, आपको वीडियो मेरा कैसा लगा, कैसा तरीका लगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो आप अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे वीडियो पाते रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।